मोदी 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 मोदी। अच्छा एक बात बताइए, मोदी लहर थोड़ी सी कम हो गई है क्या? ये बात को छोड़ते हैं, मोदी सरकार के 100 दिन अभी बाकी है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और 100 दिन से पहले मोदी जी ने ANI को 100 मिनट का एक इंटरव्यू दिया। फिलहाल मोदी जी ने 4.5 साल की राजनीति में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और एक भी अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया है। अगर किसी को इंटरव्यू दिया है तो वो अपने चहेते और पसंदीदा पत्रकार और चैनलों को दिया है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? 4.5 साल में पहली बार मोदी जी से सारे मुद्दों पर बात की गई या प्रश्न दागे गए, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी के उत्तर या आंसर प्रेडिक्टेबल थे और कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते थे कि उनको ये सारे प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि वो पूरे एक्सप्लेनेशन के मूड में थे। अगर हम राम मंदिर के मुद्दे के बारे में बात करें तो जब उनको राम मंदिर के बारे में पूछा गया तो उनका उत्तर सुनने लायक था या दिलचस्प था। उन्होंने संविधान की भी दुहाई दी, उसके बाद उसको मनाने के लिए मना भी नहीं किया, उन्होंने एक तीर में दो निशाना साध दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं सबसे बड़े दो झटके के बारे में, एक है नोटबंदी और दूसरा GST। मगर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी या GST को झटका करार नहीं दिया, इस बात को वो संभालते संभालते रह गए या अच्छे से संभाल नहीं पाए। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? मगर मोदी जी, RBI की रिपोर्ट का क्या? RBI ने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि बैंकों में 99% पैसे वापस आ गए। इसका मतलब नोटबंदी तो पूरा खराब ही गया। अगर हम बात करें GST की तो GST से बहुत सारे छोटे कारोबारी डूब गए, ये प्रश्न तो उनसे पूछा ही नहीं गया। ये ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। रुक जाइए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके बारे में तो आपको प्रश्न पूछा ही नहीं गया, वो है बेरोजगारी। आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, मगर नोटबंदी और GST के बाद आपने 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। तो इसका मतलब ये है बेरोजगारी के बारे में आपने सोचा ही नहीं था क्या मोदी जी? 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना? 15 लाख जनता के खाते में आए या नहीं आए, गंगा माँ साफ हुई या ना हुई, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया हो या 100 स्मार्ट सिटीज की बात हो, इसके बारे में तो आपको प्रश्न नहीं पूछा गया मोदी जी। मिडिल क्लास के बारे में मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, ये सुन लीजिए। मिडिल क्लास कभी भी किसी के दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है, वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला वर्ग कोई है तो मध्यम वर्गीय समाज है। मोदी जी भी प्रखर राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता है कि मिडिल क्लास उनसे बहुत ज्यादा नाराज है, उन्होंने इसीलिए इस इंटरव्यू में मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा टाइम लिया। उन्होंने जनता के स्नेह के बारे में कहा, जनता बहुत स्नेह देती है मगर जब मलाल हो जाता है वो स्नेह छीन भी लेती है। मोदी जी, इतिहास गवाह है, हमारे देश में कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, वो बहुमत में भी आए थे मगर उनकी स्नेह जनता ने कभी ना कभी छीन लिया था, वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी। मोदी जी हर टाइम एग्रेसिवली बात करते हैं मगर इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ठंडे तरीके से बात किया। इसका मतलब अभी 2019 के इलेक्शन पास है तो उन्होंने ठंड बरखा मगर उन्होंने एग्रेशन तब दिखाई जब कांग्रेस की बात आई, उन्होंने गांधी परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। सबसे दिलचस्प टाइम तो लास्ट में था जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं इलाइट क्लास के श्रेणी में नहीं जाता और वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने इस समय अपने चाय वाले की इमेज को तो बचा लिया। जो एक लुचियन दुनिया मानते हैं उसको मैं न अपने में ला सका हूँ न अपना बढ़ा सका हूँ, क्योंकि न मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था क्योंकि मैं एक
मेरा बैकग्राउंड अलग है, तो एक नॉन एलिट वाली दुनिया का मैं प्रतिनिधि हूं एक प्रकार से। उनके बात में थोड़ी विनम्रता भी थी और थोड़ी कटाक्ष भी थी। अब देखने वाली बात यहां पर आके रुक जाती है कि ये इंटरव्यू लोगों पर प्रभाव डालती है या नहीं डालती है। मोदी जी 2019 में फिर राज्याभिषेक होते हैं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। बड़े खबरों के लिए बने रहिए NBC हिंदी के साथ। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।